Hello and welcome to yet another episode of Prediction Time. मुझे कहते हैं उमर खान, मेरे साथ मौजूद हैं सर एंड सांच ऑफ कर. राइट, तो ये दो चेहरे आप पहले भी इस एपिसोड पे देख चुके हैं और मजेदार बात ये हम तीन वही हैं लेकिन सिचुएशन वर्ल्ड कप की बदल चुकी है और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है. असद, लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू मैचेस कमाल हुआ है. मतलब ओवरव्यू किस किस की बात करें, जर्मनी की बात करें, हम इंग्लैंड की बात करें या हम कोलंबिया की बात करें, so much to cover. Expect the unexpected. Right. कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो it's been that sort of a World Cup अभी तक. और it's very exciting because कल आपने देखा आप गोल्स भी आना शुरू हो गए. बिल्कुल. पहले टाइट मैचेस थे, एंड में गोल खा लिया. आप और मैं देखते थे यार अभी आएगा 89-88. लेकिन कल क्या हुआ कि स्ट्रांग टीम्स ने काफी सामने आके गोल्स किए. इंग्लैंड की मिसाल हम आगे गएंगे एंड वी हैव सीन कोलंबिया की अच्छी परफॉर्मेंस. सो जो चीज मिसिंग थी गोल्स, अब वो एड होना शुरू हो गया. और ये मैं बताऊं, आपस में हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि जब गोल्स नहीं हो रहे थे लोग डिप्रेशन में चले गए थे, खाना खाना छोड़ दिया था, दिल नहीं कर रहा था कि बात करें. साथ हुआ है, मतलब गोल्स नहीं हो रहे तो खाना खाना बस वो वर्ल्ड कप का फीवर है ना. बस चाह रहे हैं कि बस गोल्स हो, देखें, और बस ऐसे हो रहा था तो अब उसको कुछ कह नहीं सकते. खैर, बात कर रहे थे मैचेस की, तो जर्मनी का मैच मेरे लिए बड़ा वो था, बहुत क्या कहेंगे, एक्साइटिंग था. मेरे घर पे मेरी बहन जो है वो जर्मनी को सपोर्ट कर रही थी. अब कल उसका पेपर था मंडे वाले दिन, संडे को मैच था, तो उसने पूरी रात जाके वो मैच देखा और एंड में उसकी बिल्कुल शक्ल ऐसी थी कि बिल्कुल उतरी हुई थी. जब वो क्रूज के पास फ्री किक आई है और रॉयस ने उनको ले ऑफ करके और जब क्रूज ने गोल मारा, मेरा ख्याल है हमारे जो वही ग्रुप की जो बात कर रहे थे, मैंने वीडियो शेयर की थी. राइट. जो रिएक्शन था बहन का, आई कांट एक्सप्लेन इट. बड़ा अच्छा थ्रू आउट जर्मनी को स्वीडन ने रोक के रखा. मतलब ऑलमोस्ट हम सब डिप्रेशन में चले गए थे कि जर्मनी हार रहा है और अगर वो ड्रॉ हो रहा है, ड्रॉ पे उनके बाहर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते. जब वो फ्री किक मिली थी तो जिस बंदे ने फाउल या टैकल किया था, आपने नोटिस किया था पीछे वाले उसने उसको आके थप्पड़ मारा था पीछे से, उसको मेरे ख्याल बाद में भी पिटाई हुई होगी. हाँ. तो लेकिन ऑन दैट वेरी मोमेंट उसको पीछे आके जो ना मारे थे, भाई क्या कर रहे हैं. हाँ. जी, क्योंकि इतने फाइन मार्जिन हैं. हाँ. और वो ऐसी टीम को आप यहाँ तक पहुंचा और दिया. स्पॉट बहुत क्लोज था डी से बहुत, एंड इट वॉज दैट मोमेंट की यार आप स्वीडन तो क्वालिफाइड थी ना, देवर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड. अब क्या हो गया, फंस गए, अब टाइट हो गया. बिल्कुल टाइट हो गया. एंड इस वक्त हम ऐसी पोजीशन पे वर्ल्ड कप की बैठे हैं जहां पे सेकंड राउंड पूरा हो चुका है और आज से थर्ड राउंड शुरू हो रहा है. अगर हम ओवरव्यू देखें तो ग्रुप ए से रशिया एंड यूरोगॉय आ थ्रू, दे आर फाइन. ठीक है, ग्रुप बी से आज पता चल जाएगा कि कौन दो क्वालिफाई कर रहे हैं, विच इज मोस्ट लाइकली स्पेन एंड पोर्चुगल. ईरान, दे हैव अ स्लाइड ऑफ अ चांस. और हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे असद से कि अगर मोरक्को स्पेन को हरा दे, जिसपे असद का एक्सप्रेशन ये बस उमर भाई ने सनसनी लाने का इनका जो गेम है ना, ये ग्रुप पर भी इनका ये हाल है, इधर भी ये हाल है. मतलब हमारी सोच भी नहीं जाएगी ये वहां पहुंच चुके. तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखें आप लोग देखते हैं एज फुटबॉल एक्सपर्ट, मैं एज अ यू नो कुछ पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज. तो एट टाइम्स जैसे मैं क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट में मेरा दिमाग जिस चीज की इजाजत नहीं दे रहा होता वो एक्चुअली हो रहा होता है. तो वो एक ले मैन जो इतना इन्वॉल्व नहीं है वो चीज देख सकता है. तो बीइंग यू नो अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर एज वेल एंड एक्सपर्ट, तो बहुत सी चीजें आपका दिमाग इजाजत नहीं देता लेकिन वो एक्चुअली हो रही है. या बट हो रही है, और खासतौर पर आखिरी जो हमने ये एक डेढ़ हफ्ता फुटबॉल का देखा है, इसमें काफी आप सही कह रहे हैं कि जो चीजों की इजाजत नहीं आपका जहन देगा, बट दे हैपेंड. बट ऑन दिस ऑफकोर्स मोरक्को दोनों मैच हारा हुआ है, डिसअपॉइंटेड है. टीम स्पिरिट भी नहीं है ना, एक होता है ना मोटिवेशन, उनको पता है दे आर आउट, सो वी कांट एक्सपेक्ट मच. स्पेन ऑन द अदर हैंड प्रेशर है. एक चीज ऑफकोर्स जो आपने हमने पहले भी बात की थी, स्पेन का यहाँ आने से पहले स्टार्टिंग द फर्स्ट मैच दे हैड द कोच इशू, उनके कोच को सैक कर दिया गया था, दैट वॉज अ मेसअप. उसकी बेस पे स्पेन के अंदर कैंप में क्या इशूज है दैट वी हैव टू सी. बट ऑन द स्क्वाड बेसिस मोरक्को का जो स्पिरिट होगी इस वक्त, आई डोंट सी दे हैव मोटिवेशन टू कॉज एन अपसेट. राइट. 2010 के अंदर स्पेन फाइनल में भी गया, जीता भी, और वो एक बड़ी उससे स्टोरी जोड़ी जाती है कि जी पीक शकीरा की वजह से फाइनल गए और जीत गए. इस दफा कुछ है चक्कर, किसी को कोई शकीरा जैसी मिल गई है स्पेन? यार अनाउंस तो नहीं है बाकी वहाँ कोई खबरें हो तो इससे बड़ी मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कोई होगी. वो अंदर के व्यूमर्स जो है ना वो साथ अच्छे नहीं. क्या क्या खबर है अंदर की? बस
मेरे पास तो अभी तो कोई खास ऐसी कोई खबर नहीं है, ये अक्सर जो है ना ये वर्ल्ड कप के बाद आती है, क्योंकि वो स्टार्स जो है ना अभी छुपा के रखते हैं कोचेस से, उसके बाद ये सब पॉप आउट होता है। अभी कोच की बात की थी तो अभी तो कोच तो कहेगा कि भाई अभी तो नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी वैसे ही हमारा कोचिंग स्टाफ जो है चेंज हुआ है। लेकिन स्पेन आई थिंक आज जो है मेरा ख्याल है आज जीत जाएगा स्पेन। मोरक्को इज नॉट एज असिस भाई सेड के स्पिरिट थोड़ी सी डाउन है, स्पेन वुड लाइक वुड गो फॉर द किल आज और टॉप करना चाहेंगे ग्रुप को। पोर्चुगल ईरान ऑन द अदर हैंड आई थिंक ईरान थोड़ा टफ टाइम दे सकती है, देन अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 गोल्स इन द वर्ल्ड कप एंड ही इज जस्ट कल केन ने हैट्रिक कर दी तो वो एक गोल पीछे हो गया। रोनाल्डो हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक इन वर्ल्ड कप, 33 ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। ग्रुप सी फ्रांस डेनमार्क क्लियरली थ्रू दिख रहा है, यू कांट से दैट बट या ऑफ कोर्स बिकॉज इनके 4 पॉइंट हो गए और अगला ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि इवन तो अगर देखें ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता भी है तो देयर इज दिस गोल डिफरेंस थिंग जी जी आई थिंक दैट शुड बी इतना बड़ा तो थ्रू है राइट एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग जिसपे दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी ग्रुप डी जहाँ पे क्रोएशिया नाइजीरिया आइसलैंड और अर्जेंटीना जो कि बॉटम ऑफ द टेबल है। हाउ डू यू सी गाइस, हाउ डू यू सी दिस? हर बंदा अभी मैं यहाँ इंटर हुआ तो मुझे बाहर एक साहब कह रहे थे यार मेसी के साथ ज्यादती हो गई, यार वो एक मुल्क है वो सिर्फ एक बंदा नहीं है, वो इट्स नॉट ओनली मेसी इट्स अर्जेंटीना, तो आपने इतना प्रेशर डाल दिया उस बंदे आत्मा गुल बना दिया मेसी को, वो हर जगह ये कह रहा है मेरा कसूर क्या है ना, बट कैसे देख रहे हैं मतलब बट आई थिंक अर्जेंटीना विल गो थ्रू, जाना चाहिए असद भाई क्योंकि अब नाइजीरिया ने पहले हराया हुआ है अर्जेंटीना को, तो आई थिंक दे विल कीप दैट इन माइंड। और अर्जेंटीना अगेन अभी आने से पहले आई वॉज रीडिंग तो इनके कुछ ड्रेसिंग रूम में भी कोई प्रॉब्लम्स हो गए हैं, प्लेयर्स ने ये बात रेस की कि होर्गे सैम्पाउली को अब जरा साइड पे किया जाए, हमने भी बोला था कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया, हम पहले कह रहे हैं तो बाद में पहुंचे, देखा मैं कह रहा हूँ बात पहुंच गई है, बिल्कुल पहुंच गई है, अगर उनको बाथरूम में बंद नहीं करना जमाल कोटा पिला दे उनको, खुद रहेंगे ना बिजी रहेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड वाकई आइसलैंड क्रोएशिया को कैसे देख रहे हैं, बिकॉज क्रोएशिया हैज बीन द सरप्राइज टीम, क्रोएशिया थ्रू दे हैव गॉट अ गुड स्क्वाड, उनके जो दो मिडफील्डर्स हैं एक मैड्रिड के लिए खेलता है एक बार्सिलोना के लिए खेलता है, सो यू कांट से कि वो प्रेशर नहीं ले सकते, दे हैव गॉट द स्ट्रॉन्ग मैन रुक के जागे है, मतलब टीम उनकी बुरी नहीं है, आगे नहीं कह सकते कि भाई आइसलैंड हैव टू विन टू स्टे इन, ये भी है बिकॉज नाइजीरिया के 3 पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली एंड इफ दे क्वालिफाई मतलब अगर जीत जाते हैं तो चांस है, एज यू सेड ग्रुप डी जो है ग्रुप ऑफ डेथ बन चुके हैं अभी बिल्कुल, फॉर इंस्टेंस अगर आइसलैंड जीतता है तो देन ऑफकोर्स दे हैव अ गोल डिफरेंस एडवांटेज ओवर अर्जेंटीना, क्योंकि वो अगर जीतेंगे तो उनका गोल डिफरेंस और बेहतर होगा एंड अर्जेंटीना देन दे हैव टू विन बाय मार्जिन ऑफ 2 or 3 गोल्स, या अर्जेंटीना के पास तो चॉइस ही नहीं है, आपकी बात ठीक है कि अगर दोनों जीतते हैं तो देन द गोल डिफरेंस इज विद आइसलैंड, बट एट द मोमेंट आपका दिमाग आपको इजाजत है, बैक टू रियलिटी राइट। द ग्रुप ई ब्राजील स्विट्जरलैंड, I think we've been talking about this one also. इसमें भी तीनों टीमें अभी तक हैं, which is very exciting. मेरा भी जरूरी ये होता है यार आखिरी राउंड तक तीन टीमें एटलीस्ट हों, चारों नहीं है तो कम से कम तो, बट इसमें आई थिंक अगेन ब्राजील दे शुड बी फाइन, स्विट्जरलैंड अगेन दे शुड ऑल्सो बी बिकॉज उनका काफी अच्छा स्टार्ट हुआ है, एक ड्रॉ किया है उन्होंने ब्राजील के साथ और फिर वो शकीरी का जो 90th minute तो काफी अच्छी है, दोनों साइड काफी अच्छी, लेकिन आई थिंक सर्बिया वुड इसके अंदर जो है सर्बिया थोड़ा सा स्ट्रांग आएगी, लेकिन उनका गेम मुश्किल है, अब उनका गेम है ब्राजील के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोस्टारिका ओके, तो ब्राजील जो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ब्राजील सर्बिया खेलेंगे, ब्राजील सर्बिया ठीक है, ब्राजील सर्बिया का जो गेम है सर्बिया का गेम मुश्किल है, ब्राजील वुड लाइक टू गो फॉर द किल ओवर हियर, लेकिन सर्बिया अगेन इनका जो डिफेंसिव जो इनकी जो डिफेंस लाइनअप है कोलरोव मार्टिच मिलिंकोविच सावेच एक बहुत अच्छे प्लेयर इमर्ज कर रहे हैं अभी इनकी टीम से, लाचियो के लिए खेलते हैं इटालियन सीरिया में, तो इनके ऊपर ट्रांसफर रूमर्स भी काफी आ चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड इनके मतलब इनको चाह रही है खरीद ले, लेकिन सर्बिया एंड ब्राजील के पास अगेन नेमार हैज स्कोर्ड
उनके लिए एक बड़ा प्रॉपर और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी उड़ रहा है कि वो मतलब विदाउट रीजन गिर जा रहे हैं वो उनके साथ वो तो चलता रहता है काफी टाइम से है बट ही इज गॉट द क्राउड विद हिम लोग उनको काफी सुपरस्टार नेक्स्ट सुपरस्टार समझते हैं after Messi and Cristiano. So that would be I think important कि ब्राजील का जो कैप्टन है वो फॉर्म में हो हर टीम में आप देखें इंग्लैंड की आप बात करेंगे हैरी केन हैज टू बी इन फॉर्म जो मेन आपके स्ट्राइकर्स हैं इस पोजिशन में आके थर्ड राउंड नॉकआउट होता है ना no, इसके बाद तो कुछ है नहीं तो देव गॉट टू बी ऑन देयर गेम राइट नाउ ग्रुप एफ मेक्सिको जर्मनी स्वीडन कोरिया इज आउट ऑलरेडी स्वीडन के अब सिचुएशन ये है कि जर्मनी साउथ कोरिया से खेलेंगे जी एंड मेक्सिको विल प्ले स्वीडन तो यहाँ पे अगर स्वीडन जीत जाता है मेक्सिको से और जर्मनी जीत जाता है तो तीनों टीम्स जी सिक्स पॉइंट्स पे आ जाएंगे तो बट अगेन द इशू इज के जर्मनी को देव गॉट व्हाट दे वांटेड एक बंदा बिल्कुल जो है टोनी क्रूस ने उनको एक न्यू लाइफ दे दी है तो आई स्ट्रांगली थिंक के जर्मनी विल गो थ्रू और जर्मनी विल बी द फोर्स इन द नॉकआउट और आप जर्मनी को सेमीफाइनल्स में भी क्लियरली देखें मैं बिल्कुल देख रहा हूँ ग्रुप जी इंग्लैंड बेल्जियम क्वेश्चन ही नहीं इसमें तो नहीं इसमें तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से ठीक है इंग्लैंड बेल्जियम बोथ हैव क्वालिफाइड बट मजे की बात है हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि सब चीजें दोनों की सेम है बस ये इंग्लैंड और बेल्जियम का जो फर्क ये है कि बेल्जियम के कार्ड्स ज्यादा है उनको तीन मिले हुए और इंग्लैंड को दो मिले हुए येलो कार्ड ये इतनी टेक्निकल चीजें हैं कि जब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर गोल्स भी सेम हो हेड टू हेड भी ड्रॉ तो क्या काउंट करता है तो काउंट करता है कार्ड्स तो कोई ये वेडिंग कार्ड नहीं येलो कार्ड रेड कार्ड आजकल वेडिंग कार्ड इंग्लैंड अगेन हैरी केन ऑन टॉप फॉर्म हैट्रिक वगैरह देखे भी गोल मार रहे हैं थर्ड गोल जो था उनका उनको पता ही नहीं था कैसे हुआ है गोल उनसे लेकिन लॉफ्टेस्ट चीक ने शॉट मारा ऑफ साइड से भी बड़ा क्लोज था हाँ ये बहुत फाइन मार्जिन अगेन बट केन स्टेप्ड अप टू बिग टाइम इंग्लैंड रेज देयर गेम अगेंस्ट पानामा बट अगेन पनामा अपना डेब्यू कर रहे थे वर्ल्ड कप में और एक गोल भी मार दिया वो गोल मार के ऐसे खुश हुए जैसे जो है फाइनल जीत गए अमूमन हम लोग क्लब में या आपस में स्कूल में खेलते हैं कि जी जिसका आखिरी गोल वो जीत गया तो वो वाली सिचुएशन थी बिल्कुल बट अगेन इंग्लैंड बेल्जियम ऑन थर्सडे विल बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम एंड इफ इंग्लैंड मैं पर्सनली इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ी सी बायसनेस शायद उस तरफ हो मेरी लेकिन इंग्लैंड बेल्जियम जो है दैट वुड बी अ क्रैकर And if England wins, I see them in contention for this World Cup. That's a big call. क्योंकि last time साद ने ये कहा था कि टॉप फोर में से इंग्लैंड बेल्जियम में से कोई एक कहा था ये साद दिल से ज्यादा कह रहे हैं दिमाग से नहीं कह रहे आपने की बात रख गए ऐसा कुछ नहीं होने वाला they've got a good group of players. मैं इंग्लैंड का खुद फैन हूँ बट देव नॉट गॉट द बिग प्लेयर्स टू थ्रू आउट द स्क्वाड एक्सपीरियंस हैरी केन है जो एक ही प्लेयर है जो मैं समझता हूँ बाकी टीम्स में खेल सकता है बट आप उसमें से कोई ऐसा प्लेयर बताएं जो जर्मनी में खेले या जो फ्रांस में खेले प्रॉब्ली गेस देन आई वुड हैरी केन ऑप्टिमिस्टिक नॉट हैपनिंग बॉय ये वही वाली लाइन हो गई पहुंच तो गए लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए हाँ एग्जैक्टली राइट बड़े भी नहीं है वैसे वो छोटे ग्रुप एच पोलैंड इज आउट और अब जापान सेनेगल कोलंबिया वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप बिकॉज कोलंबिया की हम बात कर रहे थे देव गॉट पांच छह प्लेयर उनके ऐसे हैं जो यू कैन नॉट डिस्काउंट एनी वे फैलकाओ है हामेज है क्विंटेरो है सो देव गॉट कीपर उनका अच्छा है आई थिंक स्पिनर्स ट्रेन फॉर देम आई थिंक इंजर्ड हो गए शायद इंजर्ड हो गया तो बट देव गॉट अ गुड स्क्वाड तो कोलंबिया और सेनेगल और जापान का तो आपने देख ही लिया है वी ऑल वांट दिस अफ्रीकन टीम टू डू वेल वो जिस तरह उन्होंने क्राउड वहां पे किया तमाशा होगा नहीं तो आपने तो जापान का कहा था कि दे आर गोइंग थ्रू फॉर मी आपने अगर पूछा आई वाज सेइंग कोलंबिया विल गो थ्रू सेकंड टीम इफ आई हैड टू चूज आई वुड चूज जापान अच्छा बिकॉज वो टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं और देव गॉट मोर एक्सपीरियंस इन द साइड ऑफ शक्लें भी मिलती है मतलब अगर शर्ट चेंज करके आ गए तो रेड कार्ड येलो कार्ड आई थिंक कोई वर्ल्ड कप में इनके कुछ कोच ने ऐसा कोई एक न्यूज आई भी थी शक्लें सेम हुई है और कुछ ऐसा कुछ था वो मतलब आप कर नहीं सकते भाई आप उनको जो है ना स्काउट नहीं कर सकते आपस में दूसरे को कैसे पहचानते होंगे बचपन में अम्मी ने दो दफा एक ही बच्चों का नाम सोशल मीडिया पे देखा था कि वो उल्टा नाम करो या सीधा वो
सेम हाँ इन्यू इन्यू जो इनके प्लेयर है वो टेकेशी इन्यू गोल बहुत अच्छा मारा है उल्टा नाम दैट इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड आप यू देखें या यू देखें नाम एक ही बनता है दैट्स इंटरेस्टिंग तो आज के मैचेस के ऊपर क्या कह रहे हैं आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि चार मैचेस होंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में जी और वो भी सेम टाइम पे दोनों ग्रुप्स के सेम टाइम है वी गॉट पाकिस्तान में 7 o'clock किक ऑफ एंड देन 11 आई थिंक पहले की तो बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वी गॉट द रशिया ग्रुप उसमें तो क्वालिफाई कर चुके हैं दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं इट्स अबाउट के कौन फर्स्ट आएगा एंड वी वर टॉकिंग के फर्स्ट आने का कोई फायदा नहीं है ना सेकंड आने का कोई नुकसान नीचे टीम्स जो हैं वो जरा भारी हैं स्पेन एंड पोर्चुगल बिकॉज आप ग्रुप बी से खेलेंगे ग्रुप बी में एज ऑफ नाउ वी थिंक स्पेन और पोर्चुगल आगे आएंगे तो यार आप फर्स्ट आओ या सेकंड आओ राउंड ऑफ 16 में मैचेस देखने में अच्छे में मिलेंगे दैट्स व्हाट आई नैरो डाउन हो रहा है अब अपना वर्ल्ड कप जो अपने क्रंच मोमेंट्स पे आ रहे हैं अपने जो बिजनेस एंड की तरफ अब बढ़ना शुरू हो रहा है बिल्कुल तो यूरोप और रशिया मैच अच्छा होगा बोथ टीम्स विल गो फॉर द फर्स्ट स्पॉट दे वुड ट्राई टू गो फॉर द फर्स्ट स्पॉट रशिया ने 8 गोल स्कोर किए यूरोगोए थोड़ा सा स्कोरिंग प्रोवेस थोड़ी सी कम है लेकिन देन अगेन यूरोगोए के पास जो स्क्वाड है थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है एंड सुआरेस कवानी वुड लाइक टू स्कोर टुडे एंड एंड इनके जो कुछ प्लेयर्स हैं गोडीन है गोडीन वुड लाइक टू कीप अ क्लीन शीट हिमेनेज बेंटाकोर एक प्लेयर है इनके मिडफील्ड बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो भी तो रशिया ऑन द अदर हैंड चेरिशेव टॉप स्कोरर इनके 3 गोल मार चुके हैं वो ही वुड लाइक टू इंक्रीज हिज गोल काउंट एंड देन अगेन गोलोविन जो अच्छे प्लेयर लग रहे हैं 22-23 इयर्स के मॉस्को में खेलते हैं तो वो आई थिंक वो भी कुछ अपना कुछ प्रेडिक्शन क्या है आज ही पर्सनली स्पीकिंग मुझे लग रहा है गेम जो है थोड़ा सा यूरोप का थोड़ा ज्यादा वही देन अगेन साउथ अमेरिकन इन्फ्लुएंस और लोगों का शोर होगा रशिया शायद थोड़ा सा भारी पड़ जाए रशिया आई थिंक 2-1 टू यूरोप फॉर मी आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ मुझे लगता है कि यार दोनों टीम्स दे डोंट वांट टू लूज और फर्स्ट आई या सेकंड आई दे विल बी अगेंस्ट अ टफ टीम तो आई थिंक काफी वन ऑल प्रॉब्ली वन ऑल बट जो आप एक डेड रबर मैच जिसको कह रहे हैं उसमें वी गेट टू सी मोहम्मद सलाह फॉर द लास्ट टाइम इन द वर्ल्ड कप माइट बी हिज लास्ट टाइम इन द वर्ल्ड कप बिकॉज रूमर्स आ रहे हैं दैट ही माइट ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल रिटायरमेंट I doubt, but देखिए इजिप्ट वर्ल्ड कप में आएगा या नहीं दैट इज ऑल्सो लेकिन कतर में वर्ल्ड कप होगा अगला तो इट्स द यू नो द इस्लामिक ग्रुप एंड द मुस्लिम वर्ल्ड वुड लाइक टू सी मोहम्मद सलाह लीडिंग हिज साइड So, let's see, but that's for me. I think influence. We would like to see Pakistan. yeah, I think Egypt, जो है जीतेगा आज तू ने या चले शायद सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया ने अभी तक गोल नहीं मारा और मोहम्मद सलाह की सिर्फ एक शॉट जो उन्होंने पेनल्टी आई थिंक मारी थी एक बस मोहम्मद सलाह का एक गोल आज कसर निकाला हाँ अब पेनल्टीज की बात की जाए तो मैं कल एक स्टार्ट पढ़ रहा था कि जितनी पेनल्टीज इस वर्ल्ड कप में मिली आई थिंक 16-17 पिछले वर्ल्ड कप में ओनली 14 पेनल्टीज और अभी तो ग्रुप स्टेजेस भी खत्म नहीं हुए और आई थिंक 16 या 17 पेनल्टीज मिल चुकी है अभी तक तो VAR जो है वो इस तरफ जो है वो स्टार्ट के मामले में थोड़ा सा पेनल्टीज होने के बावजूद 2-3 पेनल्टीज बची है गारंटीड थी बट अच्छी है तो वो भी क्वेश्चनेबल है कि वीआर होने के बावजूद कैसे पेनल्टी बिल्कुल दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि यार वीआर होने के बाद भी कंफ्यूजन है तो इस तो मतलब लाइक यू कैन नॉट एलिमिनेट मेनी थिंग्स लेकिन साथ का पॉइंट अच्छा है कि वीआर होने से पेनल्टीज इंक्रीज हो गई है नंबर ऑफ गोल्स ऑफकोर्स इंक्रीज ऑल्सो तो ईरान पोर्चुगल ईरान एक तरफ डिफेंस करते आ रहे हैं पोर्चुगल के रोनाल्डो गोल पे गोल करते जा रहे हैं हैट्रिक आज हैट्रिक तो आज ईरान का डिफेंस बुरी तरह से टूट गया एक पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करूंगा ईरान एंड अर्जेंटीना लास्ट वर्ल्ड कप में था उस टाइम पे मेसी ने लास्ट मिनट बिल्कुल विनर मारा था कर्लिंग शॉट आई थिंक लोगों को जो मेसी फैंस है और जिन्होंने देखा वर्ल्ड कप प्रॉब्ली उनको याद होगा इट वॉज अ स्वीट स्ट्राइक फ्रॉम मेसी बट पोर्चुगल आई थिंक थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा ईरान पे आई थिंक मुझे लग रहा है वही 80 मिनट वाली कहानी जो उस दिन असद भाई कह रहे थे कि 80 मिनट कुछ और होता है आखिर के 10 मिनट कुछ और होते हैं मुझे भी कुछ थोड़ी सी फीलिंग इस तरह की है लेकिन आई थिंक पोर्चुगल ये मैच जीत जाएगा पोर्चुगल विल विन आई थिंक 2-0 क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी ऑन द स्कोर शीट दैट्स माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच एंड ईरान वुड वॉन्ट टू स्कोर अ गोल बट आई थिंक नहीं आता आई डोंट थिंक सो स्पेन मोरक्को मैं तो आपको काफी इशारे दे दिए कि यार ना पूछो
मोरक्को भी हमारा काफी दे आर क्लोज टू अस बिकॉज उनकी अच्छे कुछ प्लेयर्स जो हैं देव कम इन टू द प्रीमियर लीग आखिरी कुछ सालों में. मोरक्को का वो आया लेकिन देव डिसअपॉइंटेड. लोग कहते थे अच्छा स्क्वाड है मैं भी समझता था बट देव अंडर परफॉर्म्ड. आई थिंक दे विल स्पेन विल विन 3-0. इसमें मेहदी बनाटिया है बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर है. इन्होंने लास्ट मैच में बहुत गंदे चांसेस छोड़े हैं 2-3 बिल्कुल क्लियर कट चांसेस है. वही बार डिफेंडर है तो डिफेंडर और स्ट्राइकर में फर्क होता है. वो जो पहला ऑन गोल किया ना उन्होंने ईरान के अगेंस्ट वो लेट डूबा है वो इनको लेट डूबा है उधर से इनका मुराल गिर गया. लेकिन स्पेन आई थिंक आज डिएगो कोस्टा 9 matches, 9 international matches में पिछले 9 matches में 9 goals कर चुके हैं स्पेन के लिए. तो आई थिंक वो भी आज अपना गोल टैली बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी क्योंकि अभी गोल टैली जो है गोल्डन बूट की रेस में हैरी केन अभी टॉप कर रहे हैं 5 goals है उनके. लेकिन डिएगो कोस्टा भी पीछे नहीं है. आई थिंक ही हैज 4 goals. लुकाकू इज ऑल्सो ऑन 4 goals. रोनाल्डो इज ऑल्सो ऑन 4 goals. तो ये 3 आज प्लेयर्स हैं जो के सॉरी लुकाकू तो खेल चुके हैं बट ये रोनाल्डो 3-0 स्पेन एंड 2-0 आई थिंक पोर्चुगल. 3-1 ईरान. चलो ईरान को एक गोल करता देख रहे हैं तो लेट्स सी. और ये और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है आज के दिन वंस अगेन क्योंकि एज वी आर प्रोग्रेसिंग. अब आपको आपके फाइनल 4 कौन से दिख रहे हैं यार. अभी भी आप बहुत जल्दी फंसा देते हैं. राउंड 16 मैं इसलिए दिखा रहा हूँ. मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ. मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एवरी टाइम आफ्टर एवरी फ्यू मैचेस देखें आप भी जो कहते हैं नहीं यार अब ये ज्यादा अच्छी वही दिमाग इजाजत नहीं दे रहा वो वाली कहानी देखते हैं पूरे वर्ल्ड में चलेगी. आप हर 3 दिन बाद ये मुश्किल सवाल. ये मुश्किल तब होना चाहिए आपका आंसर सेम होना चाहिए यार. नहीं परफॉर्मेंस ऐसी आ रही है दैट्स द पॉइंट दैट्स व्हाई आई आस्क बिकॉज हर 3 दिन में व्हेन यू सो श्योर यू शुड स्टे विद देम नाउ आई एम गोइंग विद फ्रांस. पहले वो तो आपके फ्रांस मेरा है. जर्मनी आई एम विद देम के जर्मनी जाएगा आगे. आई थिंक ब्राजील माइट बी देयर बिकॉज सही टाइम पे मुझे लग रहा है कोटिनियो नेमार एंड वन. इफ यू आस्क मी टू प्रेडिक्ट तो मैं करूंगा बेल्जियम कर लूंगा. ठीक है तो आप इंग्लैंड पोर्चुगल अर्जेंटीना रशिया यूरोगोय इन सबको हार कर रहे हैं. आपने जाग की इजाजत दी. अच्छा फिर तो टॉप ही साथ यो 4 सॉफ्ट स्पॉट टुवर्ड्स इंग्लैंड अगेन बट अगर बेल्जियम को हराएंगे फिर तो आई विल कन्फर्मेशन मेरी फिर आई थिंक हो जाएगी फ्रांस. यस आई वॉज आज मैं यूनिवर्सिटी में था तो हम यही बात कर रहे थे कौन फाइनल 4. आई थिंक फ्रांस ब्राजील का मुझे लग रहा है काफी अच्छा एज असद भाई सेड के अच्छे टाइम पे क्लिक कर गए प्लेयर्स. तो नेमार क्लिक कर गए कोटिनियो विलियन सारे अच्छा खेल रहे हैं. तो ब्राजील आई थिंक एंड क्रोएशिया वुड बी माई पिक. क्रोएशिया जो है मुझे लास्ट एपिसोड में मैंने उनकी बात की थी. क्रोएशिया आई थिंक माइट सेमीज इनका चांस मुझे थोड़ा लग रहा है. क्रोएशिया एंड द लास्ट वन एंड इंग्लैंड कह चुके हैं ना. इंग्लैंड भी तो हाँ इंग्लैंड तो यार छोड़ना नहीं चाहता. क्रोएशिया एंड ब्राजील राइट. चले इंटरेस्टिंग. ये मेरा सवाल होगा. चार भी पूछ गए आज. मेरे 4 ओके रिकॉर्ड हो जाए. अच्छा 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 चले मैं साथ चलता हूँ. 1 बेल्जियम. Then I'll go with France क्योंकि सब फ्रांस कह रहे हैं तो अच्छा एक्सपर्ट है कुछ तो होगा फ्रांस में. बट पोर्चुगल एंड यूरोगोय. ओके ठीक है यूरोगोय याद रहेगा. अब हम ऑफकोर्स अब बात यही क्वेश्चन रहेगा हमारा राउंड ऑफ 16 के बाद तो देखते हैं क्या होता है. आई होप यू गाइज लाइक द एपिसोड और इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन अस हियर तो जस्ट मैसेजर्स एंड जो भी फीडबैक हो मोस्ट वेलकम फॉर अ डिबेट क्योंकि डिबेट होती है तो फिर मजा आता है ना. राइट सो दिस वाज द एपिसोड ऑफ प्रेडिक्शन टाइम. थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इन एंड बेयरिंग अस. टिल देन स्टे ट्यून्ड.